Hi everyone, this is me, Sareka, again with you on the road less traveled. इससे पहले कि शुरू करें, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. We all have grandparents, दादा दादी नाना नानी, जो हमको छोटी छोटी बातें या कभी कभी कहानियाँ सुनाते रहते हैं. तो आज मुझे मेरी नानी की एक बात याद आ रही है. वो एक बारी हमें सबको बिठा के छोटी छोटी बातें सुनाती रहती थी. सो शी सेड, शी वॉज टेलिंग अस अ स्टोरी कि जब भगवान खाना बांट रहे थे सबको, तो सारे जीव जंतु सब लाइन में थे और बारी आई कुत्तों की. तो कुत्ते ने बोला, आप मेरे हिस्से का सारा खाना इंसान को दे दो और मुझे जब जो चाहिए होगा मैं इंसान से ले लूँगा. तो किसी जानवर ने इतनी इज्जत हमको दिखाई और हमने बहुत सारे हमने उनकी कदर नहीं की है. एंड वी ऑल नो, हम हर दिन देखते हैं कितने सारे एनिमल्स को मिसट्रीट करते हैं. खाना तो बहुत दूर की बात है, इतना कुछ हम उनको टॉर्चर दे देते हैं दैट इट्स हार्ट ब्रेकिंग. लेकिन आज हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, आज हार्ट मेकिंग है. आई हैव अ वंडरफुल स्वीट थिंग विद मी जिसका नाम है शेरखान, शेखू, डॉग, नॉट डीओजी बट डार्लिंग ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स. एंड ऑफ कोर्स इनके जो फ्रेंड हैं, इनके जो कर्ता धरता हैं, मिस्टर विकास जी, आई एम बैक विद हिम. सो दिस इज शेरखान एवरीवन. बट इससे पहले हम शुरू करें, यू ऑल हैव टू subscribe to the channel and at the end of the episode you all have to share and watch. Or jisko bhi share kare, please tell them to subscribe. So shuru kare. Hello Vikas ji. Hi. So we are back with our hero. Yes. To ab iske bare mein aap batao, ye matlab kaise hai, kya hai, kab aapko mila, kis halat mein mila aur kaise iske sath aapka relationship shuru hua? Sher Khan mere ko mila tha aaj se theek 4-4.5 saal pehle. Aur ye ek बिजी मार्केट में जहाँ पर बहुत सारे लोग इसको देख सकते थे. मैं ये लाइन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि देखने के बाद भी इग्नोर कर रहे थे. बहुत से लोग इसको देख सकते थे पर देखा सिर्फ एक उस इंसान ने जिसने हमें कॉल करके कहा कि यहाँ पर एक ऐसा डॉग घूम रहा है जिसका चेहरा नहीं है. Okay. हम लोग शॉक थे कि चेहरा, ये कैसे बात हुई कि चेहरा नहीं है. नहीं, वो अभी भी देख के लगता है, इट कम्स एज अ शॉक कि आईज नहीं है. सो इट इज डिसहार्टनिंग. तो वहाँ से मैंने इसको पिक किया. इसका ट्रीटमेंट के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स ने हमें बोला कि ये वर्थलेस है, इसको सर्वाइव ये नहीं करेगा और प्लस आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. सब लोगों ने हमारे को सजेस्ट किया कि इसको यूथनाइज कर दो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी है ये. बट पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शेर खान, तब इसका नाम था ब्रावो. अच्छा. इसका जो पहला नाम था ब्रावो. और इसके लिए अगर मतलब हम कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते. हमारे साथ में उस टाइम पर एक ऑस्ट्रेलियन वॉलंटियर थी, काइली नाइलर. तो जब हम इसको लेने गए वो भी हमारे साथ थी. मैं ये इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हमें सोसाइटी का माइंडसेट का पता चले. वहाँ पर बहुत सारे लोग जो शेर खान को इग्नोर कर रहे थे बहुत टाइम से, वो काइली नाइलर के पास पहुँच के और अपना स्टैंडर्ड व्हाट कंट्री मैडम, व्हाट कंट्री मैडम, जैसे ही आपने एक फॉरेन ओरिजिन की कोई लड़की या लेडी देखी, व्हाट कंट्री मैडम एंड कैन वी टेक अ पिक्चर, यस यस यस. तो वो मेरे लिए बहुत परेशान करने वाला सीन था. मैं बहुत परेशान हो गया था ये देख के कि एक एनिमल को जो 24 घंटे आपके पास दिखाई दे रहा था आप उसको इग्नोर कर रहे हो. इन सच अ बैड स्टेट. हाँ, और इसको आप इग्नोर कर रहे हो और एक एक लेडी जो आपको आज पहली बार दिखाई दी है जस्ट बिकॉज शी बिलोंग टू सम फॉरेन कंट्री, आप बार बार भाग के उसका देख इमेज क्लिक करना चाहते हो फॉर, हाँ यस यस, द फेयर स्किन फॉर नो यूज. तो वो चीज़ बड़ी ख़राब लगी. एनीवेज हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया. एक डॉक्टर, डॉक्टर रविंदर, मैं ज़रूर उनको मेंशन करना चाहूँगा, डॉक्टर रविंदर सैनी. मैं एहसान ही नहीं भूल सकता उनका कभी भी. आज भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ में, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा बट ट्राई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे. और उनकी ट्राई, उनकी मेहनत और कुछ हमारे वॉलंटियर्स थे साथ में जो लगातार इसके साथ में इसको वॉक कराना, इसको ट्रेन करना, इसको बताना कि तुम वर्थलेस नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं. तो इसने रिकवर करना शुरू कर दिया. और रिकवर क्या शुरू करना शुरू कर दिया इसने
भागना शुरू कर दिया। ये तीन बारी लीश तोड़ के भाग गया। हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया इसको सर्च करने के लिए। बहुत सारे लोगों को चंडीगढ़ के पता है जिन लोगों ने वॉलंटियर भी किया था। कुछ 135 लोगों के आसपास डेली कॉम्बिंग ऑपरेशन पे जाते थे। जब हमने ये बोला हुआ था कि कोई फोर व्हीलर लेके नहीं आएगा, सब टू व्हीलर पे आएंगे, जिसके पास फोर व्हीलर है अगर वो आना चाहता है तो अपने घर बैठे या साइकिल पे आए। हमने पूरा पंचकूला कॉम्ब करा, इसको ढूंढा, सेवंथ डे हमें मिला। और जिन लोगों ने ढूंढा था इसको, प्रांशु भाटिया और उनके फ्रेंड का नाम मेरी याददाश्त में थोड़ी प्रॉब्लम है, भूल गया, पर प्रांशु मुझे याद है। हमने इसके ऊपर ना एक इनाम रखा हुआ था 5,000 रुपीज़ का, कि जो भी इसको ढूंढेगा। उन दोनों बच्चों ने कोई पैसे नहीं लिए और वो इसके दोस्त बन गए। हाउ क्यूट। तो बेसिकली जब ठीक होने लगे तो फिर अपनी बैक टू शैतानिया। हाँ हाँ, शैतानिया आधी चेन गले में लटक रही है और भागे हुए हैं भाई साहब। और हमने इनका एक और नाम रखा था, शेरखान हवारा। अच्छा, आपको बुढ़ैल जेल कांड याद होगा। इन्होंने सुरंग खोद दी थी एक जगह पर। ओके। और ये 3 फुट गहरी सुरंग खोद के भागे हुए हैं। तो बिल्कुल ये तो रॉकस्टार वाले काम हो गए। हाँ, ये रॉकस्टार डॉन वाले। डॉन एज इन डार्लिंग ऑफ नेशन। और सच में इसको पूरा नेशन फॉलो करता है। So he's a celebrity in himself. He's a brand ambassador. He's a healer. He's an entrepreneur. ये सब कुछ है ये, ठीक है? इनकी शक्ल पे मत जाना, ये सब कुछ है ये। And what is your relationship with him? ये नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं होता। मैं इसीलिए, क्योंकि आप वही जो बोल रहे थे कि आपने इसको रेस्क्यू नहीं किया। नहीं, मैंने इसको डेफिनेटली, वो पहला दिन होगा जब मैंने इसको रेस्क्यू किया, पर ये मुझे हर दिन रेस्क्यू करता है। मैं अकेला रहता हूँ, मेरी लाइफ में बिल्कुल, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है इसके अलावा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी सोशल लाइफ है, मेरे को बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बट आई हैव नोबडी इन माय पर्सनल लाइफ शेर खान के अलावा। तो जब मैं घर जाता हूँ और मुझे शेर खान मिलता है और मैं खाना बना लेता हूँ इसके लिए और अपने लिए, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खा रहा था। मैं गुरुद्वारे में खाना खा लिया या कहीं पर किसी फ्रेंड के यहाँ खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। ये चीज़ है ना जो लोग यूजली रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब आप घर जाते हैं एक यही होते हैं जो अपनी पूंछ हिला के भाग के आपके पास आएंगे, चाहे आपने जाने से पहले इनको 2 चांटे लगा के गए हो। आपके बच्चे शायद फिर आपसे थोड़ी देर गुस्सा रह लेंगे कि मुझे डांटा था, मुझे ये था, पर ये ऐसे हैं, आप जैसे दरवाज़ा खोलोगे आपके पास भाग के आएंगे सब कुछ भूल के। एंड वी ऑल शुड रिमेंबर दैट एंड अप्रिशिएट दैट द लव दैट वी गेट। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं, जब मैं घर घुसता हूं तो ये सोफे पे लेटे होते हैं और हाई फाइव करके आते हैं, उस साइड चले जाओ, तुम्हारा कमरा वो है। तो इसकी जब जो अवार्ड्स और ये सब है वो मतलब एग्जैक्टली काम क्या करते हैं आप, ये बताएं। देखिए, ये तो एक तो मैंने आपको बताया, ये थेरेपिस्ट है, बहुत से लोग इससे मिलने आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग, मतलब अब यहाँ पर शायद मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वो शायद नाराज़ हो जाए मेरे से, बट उनमें से कुछ एक IAS ऑफिसर हैं, IRS ऑफिसर हैं, अलग अलग मीडिया से कुछ मूवीज़ में काम करते हैं, रेडियो पे काम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शेर खान से मिलने आते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको हैप्पीनेस चाहिए होती है। सो ये थेरेपिस्ट है। उसके अलावा ये एक एंटरप्रेन्योर भी है, ये ओन करते हैं एक कंपनी को जिसका नाम है द स्ट्रेस बस्टर्स। अब आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा कि क्यों लोग इनके पास आते हैं। बिल्कुल। और एक और न्यूज़ है जो मैं आज 11 स्ट्रीम की तरफ से दे रहा हूँ कि हम एक कपड़ों का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ओह वाओ। शेर खान के नाम से ही, ऑब्वियसली ब्रांड शेर खान, जहाँ पर आपको इंडियन एथनिक ड्रेसेस मिलेंगी फॉर एनिमल्स ओनली। वाओ। तो अगर आपका डॉग को आपने चनिया चोली पहनानी है या एक सो लेट्स वेट फॉर अ फैशन शो आल्सो। हाँ, सो हम फैशन शो तो हर साल करते ही हैं, बट इस साल फैशन शो में बहुत मजा आने वाला है। आई बिलीव कि जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं वो नीचे भी अगर इसी चैनल के नीचे कमेंट भी कर देंगे कि हम अपने डॉग को उस फैशन शो का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। और 11 स्ट्रीम को आप लगातार फॉलो करते रहिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी और न्यूज़ मिलने वाली है शेर खान के बारे में। नहीं, शेर खान तो I'm blessed that I met him. Last time मिल नहीं पाए थे, ये था नहीं घर पे। हाँ, ये काफ़ी बिजी मैन है, तो आज बड़ी मुश्किल से शेर खान ने हमें टाइम दिया है। एंड लवली मीटिंग यू। और आप बताइए इसके बारे में, इसका डेली रूटीन और इसका डाइट और ये सब। डेली रूटीन, ये कहते हैं ना देसी डॉग्स, तो ये पूरी तरह से देसी है। देसी दिखने में तो मुझे नहीं पता, बट ये खाने पीने में बिल्कुल देसी है। मेरे को कभी कभी लगता है कि ये शायद हरियाणा से भाग के आया है, देसा में देस हरियाणा, जितने दूध दही का खाना।
तो इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको आप पेडिग्री दे दो, कहता है नहीं ये तो फॉरेन फूड है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे आप दूध रोटी दे दो, दही रोटी दे दो, और हाँ नॉन वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, ये नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी हम किसी तरह से आप देख रहे हो इनके बारे में, जैसे ही मैंने बोला कि नॉन वेजिटेरियन ना, ये निकल के चल पड़े हैं यहाँ से। नहीं नहीं, अभी डूड हैज टू गो फॉर अ गेम, कहाँ बैठ सकते हैं। सो एनीहाउ, तो बिल्कुल देसी हैं ये, एंड या आई एम ग्लैड आई मेट हिम, और आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स, मैं शायद ज़्यादा बात करूँगी तो मेरी खुद की आंखें भर आएंगे, यू नो आई हैव नेवर बीन इमोशनल ऐसे किसी से मिल के, और वो दो आई ऑल्सो हैव अ डॉग एंड आई जस्ट लव हर, बट या अजीब सा डिफरेंट सा फीलिंग है। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आप जो रोज रहते हो और आप और भी इतने एनिमल्स के साथ रहते हो, सो आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब लगता है कोई कैसे इनको हर्ट कर देता है, या मतलब मैं तो जो मेरी वाली है इतनी शैतानियों के बाद भी एक थप्पड़ भी नहीं मार पाती हूँ उसको, तो वो जैसे मुझे देखती है, एंड आई जस्ट वंडर समटाइम्स हाउ हार्टलेस पीपल आर, हाउ सोललेस आर, हार्टलेस मेरे को, तो है ही नहीं। मेरे को इसके बारे में एक और बात करनी है, जब आप जब आपने बोला कि क्रुएलिटी, तो क्रुएलिटी नॉर्मल इंसान तो नहीं करता होगा, हम डॉग्स के साथ हुई क्रुएलिटी को या बेसिकली एनिमल्स के साथ हुई क्रुएलिटी को बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जबकि अगर आप ध्यान से ट्रैक रिकॉर्ड देखें उस इंसान का जिसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो, तो आप पाएंगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा मतलब ठीक नहीं होगा, और वो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, वो जो भी कमज़ोर बच्चा या लेडी उसको मिलेगी उसके ऊपर भी वो उनको बुली करने की कोशिश कर सकता है। मुझे कई बार ये भी लगता है कि उनकी शायद खुद की इनसिक्योरिटीज निकल के आती हैं कि हम दूसरों को ओवरपावर करें और बुली करें। हाँ, और वो ऐसे लोगों को या ऐसे जीवों को ओवरपावर करते हैं जहाँ पर उनका बस नहीं चलता, बस चलता है, बस चलता है, मतलब जिनका खुद पे बस नहीं चलता। हाँ, जो जिनका खुद पे बस नहीं चलता। अब जो एनिमल्स हैं वो तो अपने लिए डिफेंड, अपने आप को डिफेंस नहीं कर सकते, वो डिपेंड करते हैं इंसानों पर, आप पे, मेरे पे, कम्युनिटी पे, और जब इंसान कुछ नहीं कर रहे होते तो हमारे को रिजल्ट में देखने को रोज की स्टोरीज आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, कभी कोई एनिमल को मार रहा है, कभी कुछ जला रहा है, किसी ने एसिड फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रिटेलिएट नहीं करते, एनिमल्स रिटेलिएट नहीं करते, आसान सा टारगेट होते हैं लोग। नहीं, रिटेलिएट ये तो क्या करेंगे, इवन फॉर स्नेक्स वी ऑल नो, जब तक उनको हम अटैक नहीं करेंगे दे विल नॉट डू एनीथिंग, बट फिर भी हम जैसे ही एक दिखता है हम फटाफट से सिर्फ मारने को भागते हैं। ये आई थिंक हमारी अपनी ह्यूमंस की इनसिक्योरिटी है कि इससे पहले कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए हमें उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप फॉरएवर फ्रेंड्स का ट्रैक देखेंगे, अभी पिछले महीने में ही हमने कुछ 6 स्नेक्स रेस्क्यू किए हैं, जिसमें से 4 कोबरा थे, 2 सैंड बोआ थे। ओके। हाँ, और उनमें से 3 हमने वाइल्ड से मतलब घरों में घुस के वहाँ से पकड़े थे, और 3 जो थे उनकी तो बड़ी फनी स्टोरी है, वो हमने छीने थे जो ये स्नेक चार्मर्स होते हैं उनसे, और उनको वापस हमारे को वाइल्ड में छोड़ने में भी बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि हमें पूरा पहले चेक करना था कि क्या उसके दांत तोड़े गए हैं, क्या वो जंगल में सर्वाइव कर पाएगा। हमने किसी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के किसी फ्रेंड को कॉल करके कंफर्म कराया कि इसको वाइल्ड में छोड़ना ठीक रहेगा, जब तक उन्होंने हमें ग्रीन नहीं दिया तब तक हमने उसको वाइल्ड में नहीं छोड़ा। बट एक और सैड बात यह है कि अब जैसे शेरखान को देखते हैं ना, हाँ जी, तो आई हेट द वर्ड रेस्क्यू, है ना, कि मतलब जो ये जो धरती है पूरा द होल सिस्टम नेचर ये हम सबका है, तो एक दूसरे को रेस्क्यू करने की नौबत आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए। तो वो सबसे पहले द वर्ड रेस्क्यू इज वेरी सैड, राइट, द होल सिचुएशन इज वेरी सैड, राइट, एंड आई डोंट नो लोग क्यों करते हैं ऐसे और वो कैसे लोग होते होंगे, बिकॉज आई डोंट नो कैसा उनका दिल होता होगा, कैसी उनकी आत्मा होती होगी, बट हाँ, इफ यू नीड टू कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस, अगर आपको जानना है हाउ टू लिव, प्लीज कम एंड मीट शेर खान। मैं तो, मुझे तो बस इतना ही वो हो रहा है कि एक बार यहाँ के मिल लो, आपके सारे स्ट्रेस, एज यू सेड, स्ट्रेस बस्टर, इट्स द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर, एंड आई थिंक यू लकी कि आपको ये मिला और इसको आप मिले। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात बोलना भी चाहता हूँ कि लोग कई बार बोलते हैं कि जिसने इसको छोड़ा होगा, तो कहते हैं ना कि किसी का नुकसान किसी का फायदा, तो मेरे लिए तो खजाना है खुशियों का। Understand, completely understand, and such a gentle giant, I would call him. इतना इसका physique इतना अच्छा है. He's got wonderful health, except for the जो इसका eyes का है, and
I'm sure he's out of that mental trauma. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. He's totally out of. With so much of love from you and yeah, so it was. I don't know. मेरे पास actually words नहीं है. What to say? It was lovely meeting him and. अभी मेरे घर के पास है. सो नाउ दैट आई हैव मेट हिम आई एम प्लानिंग टू कम मोर ऑफन. एनीवन हु वांट्स टू विजिट हिम प्लीज कमेंट एंड वी कैन अरेंज अ मीटिंग. ही इज बैक इन द फ्रेम. सो आवर हीरो इज बैक. ही इज ट्राइंग टू सी इक्विपमेंट एंड ऑल. सो ठीक है, इट्स ओके. दैट्स हिज वे ऑफ एक्सप्लोरिंग थिंग्स. सो इट वॉज लवली मीटिंग शेर खान एंड ऑल ऑफ यू. प्लीज टेक केयर वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद एनिमल्स ऑफ एनी काइंड, नॉट जस्ट डॉग्स. And just write your comments, how you feel. And I have never felt so emotional doing anything before this. And yeah, I'll see you next time. Please keep watching, keep sharing, and keep subscribing. And Luthra ji, thank you so much. Thank you. Usko main thank you. Yeah, I'll hug him and say thanks. So yeah, bye bye. I'll see you next time.